बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आई एम वकास अहमद टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड फाइव दिस इज आर यूनिट नंबर फोर इट इज अबाउट डिस्टेंस एंड टाइम एंड आर लेसन नंबर सेवन इन दिस लेसन वी आर डिस्कस द एस एल ओ कन्वर्जन ऑफ टाइम कन्वर्जन ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम आर्स इंटू मिनट्स एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा मीन्स के हमने आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और फिर मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करना है सो so ये चीजें हम लोग आज के लेसन में देखेंगे अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर्स जो हैं, लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं इन विच यूनिट यूनिट्स टाइम कैन बी मेजर्ड हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर यूनिट्स राइट करने हैं कि हम लोग कौन से यूनिट्स जो में टाइम को मेजर करते हैं जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए ए, हमने किलोमीटर्स मीटर्स या सेंटीमीटर वो लेंथ के यूनिट्स हमने यूज किए थे इसी तरह मैस के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं मैस के लिए किलोग्राम या ग्राम और फिर कैपेसिटी के लिए लीटर्स या मिलीलीटर यूज करते हैं बट यहां पर टाइम के लिए क्या कौन सा यूज करेंगे थिंक अबाउट इट एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक इफ यू नो सो एंड शो इट टू यीचर ये इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और फिर टीचर को दिखाना है, बताना है कि ये यूनिट्स हैं जो हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं लुक एट दॉच आपके अगर हाथ में वॉच लगी है जैसा कि मेरे यहां पर वॉच लगी हुई है एंड एंड टेल हाउ मच टाइम हैज पास यू वर्क वो कप और आपने बताना है टाइम वॉच करें और उसी वक्त बताएं कि जब आप सुबह उठे थे उस वक्त से लेकर अब तक कितना टाइम जो है वो गुजर चुका है सो फाइंड इट एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू कि इतना टाइम अब तक गुजर चुका है सो so अब आ जाए कीवर्ड्स या जो आज के कॉन्सेप्ट जिनको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर हमने कन्वर्जन देखनी है कन्वर्जन अबाउट टाइम एंड देन आरस इंटू मिनट्स मीन्स के आर्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में एंड देन मिनट इन टू आर्स उनको आपस में कन्वर्ट करना है एंड देन एक चीज याद रखें कि वन मिनट जो होता है इक्वल टू सिक्सटी वन आर जो है वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स या फिर वन मिनट इज इक्वल टू वन ओवर सिक्सटी आवर्स ये दो चीजें आपने हमेशा के लिए याद रख लेनी है एंड देन सिंपल मल्टीप्लीकेशन मेथड जो के हम लोग चूज करेंगे एक चीज एक तो ये चीज है कि आपके पास वन आवर के अंदर सिक्सटी मिनट्स होते हैं और जब आपने कन्वर्ट करना है उसके लिए जो कुछ रूल्स हैं जो आगे चल के हम लोग देखते हैं और उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है वाइल आर कन्वर्जन वन आर है अभी बताया है वी कैन फाइंड द टोटल मिनट्स इन गिवन आर्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग मीन्स के मल्टीप्लाइंग बाय सिक्सटी सो आपके पास आर्स गिवन होंगे और उसके टोटल मिनट्स आपने फाइंड करने हैं टू कन्वर्ट आर्स इन टू मिनट्स मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव आर्स 60। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स सो अगर आपके पास फाइव आर्स हो तो क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी मिनट्स आपके पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे ये बन जाएंगे थ्री हंड्रेड मिनट्स तो सिमिलरली नेक्स्ट आपने क्या करना है अगर आपके पास मिनट्स गिवन है तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है आर्ज में आर्ज में कन्वर्ट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ एग्जांपल क्या है एग्जांपल नंबर 15 जो है ये आपकी बुक में गिवन है आपने उसका सॉल्यूशन नहीं याद करना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने मेथोडोलॉजी आपको क्या बताई हुई है कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने फोर स्टेप्स याद रखने हैं रीड द प्रॉब्लम प्लान टू सॉल्व थर्ड वन इज मेक अ सॉल्यूशन एंड देन एट द एंड चेक योर प्रॉब्लम यहां पर देखें ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है क्या करना है कन्वर्जन की वर्ड प्रॉब्लम है कन्वर्ट कैसे करना है शाजिया स्पेंड्स सिक्स आवर्स थर्टी मिनट इन स्कूल डेली एक स्टूडेंट है जो डेली स्कूल जाती है और स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करती है छे घंटे और तीस मिनट थर्टी मिनट मीन सिक्स आवर्स एंड थर्टी मिनट सो यहां तक हमारे पास गिवन फैक्ट्स हैं और इसके बाद हाउ के बाद जो पार्ट शुरू होता है वहां पर आपके पास रिक्वायर्ड है, फैक्ट्स हैं सो हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड स्कूल डेली इन मिनट्स डेली मिनट्स में कितना टाइम स्पेंड करती है सो so, हमने इसके मिनट्स फाइंड करने हैं मेथडोलॉजी वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, है आपने क्या करना है जो आवर्स में टाइम है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ और फिर 60 में जो मिनट्स गिवन है उनको ऐड कर देना जो रिजल्ट आएगा उसमें सो so, जैसा कि हमने क्या किया सिक्स आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 मिनट्स उसमें प्लस कर देंगे जो रिजल्ट आएगा सो सिक्स सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई सिक्स दैट इज इक्वल टू थ्री एंड देन प्लस थर्टी मिनट्स जो ऐड किया तो आपके पास 390 मिनट्स टोटल आ गए सो टोटल टाइम जो मिनट्स में स्पेंड करती है शाजिया वो 390 मिनट्स हैं। यही चीज हमने फाइंड करनी थी तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट सपोज अगर 300 मिनट्स गिवन है 300 मिनट्स गिवन है आपने इसको कन्वर्ट करना है आर्ज में सो so, इस 300 को आपने डिवाइड कर देना है 60 के साथ जब 60 पे डिवाइड किया तो 00 से कैंसिल हो गया सिक्स वन साइ फाइव थर्टी सो फाइव आर्स आ गया आपके पास रिजल्ट सो so, इस तरह आपने रिवर्स प्रोसेस को यूज करते हुए 60 के साथ डिवाइड कर देना है सो कीप इन माइंड वन मिनट इज इक्वल टू वन ओवर सिक्सटी आर्स ये चीज आपने याद रखनी है सो so, अब नेक्स्ट आपके पास एक वर्कशीट है जो कि आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है और फिर टीचर को सबमिट करवा देना है मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताई है अब आ जाए रेपअप की तरफ आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी हमने कन्वर्जन सीखी कन्वर्जन ऑफ मेयर ऑफ टाइम आर्स इनटू मिनट्स एंड वाइस वर्सा मीन के मिनट्स को आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया और फिर मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करना सीखा सो so, उसके लिए कौन सा रूल फॉलो किया टू कन्वर्ट आर्स इनटू मिनट्स मल्टीपल मल्टीप्लाई द आर्स विद 60 जो गिवन आर्स थे उनको सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि जब आपने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे यही चीज हमने आज के लेसन में सीखी अब आ जाए होमवर्क की तरफ होमवर्क में आप लोगों ने यह वर्कशीट कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करके अपनी टीचर को सबमिट करवानी है अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आई होप की आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है इनशाला वी विल सी इन आर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ अल्लाह हाफिज